हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान वेस्ट बंगाल से जो एमफिल और पीएचडी एडमिशन 2021 से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन अपडेट हुई है उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और एक बात, अगर आप सभी इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस या फिर ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, देन आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में यहाँ पे एक नोटिस अपडेट हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2020, एमफिल प्रोग्राम 2020-2022 एंड स्टेट फंडेड फेलोशिप 2020। तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देन आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में नंबर वन पे देख सकते हैं, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इन्फॉर्मेशन सीट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, नेक्स्ट, कैंडिडेट्स एलिजिबल एज पर द कंडीशन गिवन बिलो आर टू अप्लाई थ्रू फॉलोइंग गूगल फॉर्म। अगर आप सभी एलिजिबल हो तो आप सभी को गूगल फॉर्म के थ्रू से अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट, फॉर सब्जेक्ट्स अंडर फैकल्टी काउंसिल साइंस, अगर आप साइंस कैटेगरी से हो तो आप सभी को इस लिंक के थ्रू से अप्लाई करना है। नेक्स्ट, फॉर सब्जेक्ट्स अंडर फैकल्टी काउंसिल आर्ट्स एक्सेट्रा, या फिर आप आर्ट्स या फिर अदर कैटेगरी से हो तो आप सभी को इस लिंक के थ्रू से अप्लाई करना है। ओके, ये दोनों ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो की है 28/06/2021 टू 12/07/2021, यानी कि 28 जून 2021 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, जो कि 250 यानी कि 250 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट, पे थ्रू फॉलोइंग लिंक, आप सभी को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है इस लिंक के थ्रू से। ओके, ये लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, स्टेजेस इन फॉर्म फिलिंग, आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है दो स्टेजेस में। स्टेज वन जो कि पे एप्लीकेशन फ़ी, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। देन स्टेज टू, फिल इन गूगल फॉर्म, उसके बाद में गूगल फॉर्म के थ्रू से आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन देख लेते हैं। एमफिल और पीएचडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और इसके साथ में एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि अगर आपके पास एमए डिग्री है और साथ ही में 55% मार्क्स है तो आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी एंड डीए, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सभी को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, यानी कि अगर आपके पास एमए यानी कि मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स भी है तो आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन सर्विस एप्लीकेंट्स, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप सभी को एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, अगर आप पीएचडी या फिर एमफिल कोई भी कोर्स के लिए अगर अप्लाई करते हो तो। ओके, नेक्स्ट, स्टेट फंडेड फेलोशिप्स, आपके पास अगर नेट या फिर सेट या फिर स्लेट या फिर गेट या फिर आप एग्जिस्टिंग पीएचडी स्कॉलर्स हो तो आप सभी ये फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड बाय होल्डिंग वाइवा वर्स इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल मीट, लिंक टू बी फॉरवर्डेड इन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ एप्लीकेंट्स। एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा वाइवा वर्स के थ्रू से और ये वाइवा वर्स लिया जाएगा गूगल मीट के थ्रू से। ओके, और गूगल मीट का जो लिंक है आप सभी को ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। ये जो एडमिशन प्रोसीजर है ये टू स्टेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। नंबर वन पे देख सकते हैं प्रिलिमिनरी वाइवा वर्स, देन नंबर टू पे फाइनल वाइवा वर्स। कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 50% इन प्रिलिमिनरी वाइवा वर्स विल अपीयर इन द फाइनल वाइवा वर्स। अगर आप सभी को फाइनल वाइवा वर्स में सेलेक्ट होना है तो आप सभी को मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा प्रिलिमिनरी वाइवा वर्स में। ओके, नेक्स्ट, वाइवा वर्स सेल कोवर टू सेक्शंस, वाइवा वर्स लिया जाएगा दो सेक्शन से जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एरिया ऑफ रिसर्च। ओके,
नेक्स्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिलिमिनरी वाइवा वॉस, आप सभी को एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आपके पास एम फिल डिग्री विद कोर्स वर्क या फिर यू जी सी सी एस आई आर या फिर यू जी सी नेट इंक्लूडिंग जी आर एफ सेट स्लेट गेट या फिर टीचर फेलोशिप है तो आप सभी को प्रिलिमिनरी वाइवा वॉस में छूट मिल जाएगा। आप सभी डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट फाइनल इंटरव्यू जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट मार्क्स टू बी अवार्डेड एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइंस, एकेडमिक रिकॉर्ड्स मार्क्स 30, अंडर ग्रेजुएट के लिए 15, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 15, देन वाइवा वॉस के लिए 20, टोटल मार्क्स है 50। ओके, सीट्स रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी पोजिशन अंडर फैकल्टी काउंसिल साइंस। ओके, साइंस फैकल्टी से कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसीज आई हुई है ये मैं आप सभी को बताऊंगा। मैं डिपार्टमेंट एमफिल और पीएचडी का सीट्स बताऊंगा, आप सभी स्टेट फंडेड फेलोशिप का सीट्स आप सभी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नंबर वन पे है बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल के लिए कोई भी सीट नहीं है, पीएचडी के लिए 3, बॉटनी में एमफिल के लिए 11, पीएचडी के लिए 5, देन केमिस्ट्री में एमफिल के लिए 16, पीएचडी के लिए 14, देन कंप्यूटर साइंस में एमफिल के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, पीएचडी के लिए 4, देन एनवायरमेंटल साइंस में एमफिल के लिए 3, पीएचडी के लिए 12, देन ज्योग्राफी में एमफिल के लिए 4, पीएचडी के लिए 10, देन मैथमेटिक्स में एमफिल के लिए 13, पीएचडी के लिए 9, देन माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, पीएचडी के लिए 6, देन फिजिक्स में एमफिल के लिए 17, पीएचडी के लिए 12, देन फिजियोलॉजी में एमफिल के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, पीएचडी के लिए 9, देन स्टैटिस्टिक्स में एमफिल के लिए 2, पीएचडी के लिए है 6, देन जूलॉजी में एमफिल के लिए 14, पीएचडी के लिए 21। ओके, आप सभी वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग सीट्स चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी पोजीशन सब्जेक्ट वाइज अंडर फैकल्टी काउंसिल आर्ट्स कॉमर्स लॉ एसेट्रा, एमफिल वैकेंसी पोजीशन 2020-2022, यहाँ पे एमफिल का वैकेंसी पोजीशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, मैं सिर्फ सब्जेक्ट और टोटल सीट्स ही डिस्कस करूंगा। ओके, आप सभी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा सीट्स। बंगाली में है 15, कॉमर्स में है 7, इकोनॉमिक्स में है 21, इंग्लिश में है 7, हिंदी में है 6, हिस्ट्री में है 8, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है 2, फिलोसफी में है 5, देन पॉलिटिकल साइंस में है 6, देन संस्कृत में है 9, देन सोशियोलॉजी में है 5, टोटल 91 सीट्स है। ओके, नेक्स्ट पीएचडी वैकेंसी पोजीशन 2020, यहाँ भी मैं सिर्फ सब्जेक्ट और टोटल सीट्स ही मेंशन करूंगा, आप सभी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नंबर वन पे बंगाली टोटल सीट्स है 23, कॉमर्स के लिए 20, इकोनॉमिक्स में है 15, देन एडुकेशन में है 15, देन इंग्लिश में है 14, देन हिंदी में है कोई भी सीट्स नहीं है। ओके, देन हिस्ट्री में है 12, देन लॉ में है 10, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1, देन मास कम्युनिकेशन में 4, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है 9, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एचआर में है 6, देन टूरिज्म मैनेजमेंट में है 2, देन फिलोसफी में है 5, देन पॉलिटिकल साइंस में है 5, देन संस्कृत में है 3, देन सोशियोलॉजी में है 2, देन उर्दू में है 6, टोटल 152 वैकेंसीज है पीएचडी के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट फंडेड फेलोशिप का सीट्स भी दिया गया है, आप सभी अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, फिर से मैं एक बार स्क्रॉल अप करता हूं, आप सभी अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पीएचडी और एमफिल दोनों के सीट्स चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके,
तो नोटिफिकेशन में बस फिलहाल इतना ही है। ओके, और एक बात मैं आपसे को बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पे एप्लीकेशन फी, यहाँ भी एप्लीकेशन फी पेमेंट का लिंक दिया गया है। देन फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर साइंस, यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ भी लिंक दिया गया है। देन फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आर्ट्स लॉ कॉमर्स एक्सेट्रा, इसके लिए भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। ओके, फिर से मैं आप सभी को एक बार लास्ट डेट मेंशन कर देता हूँ, जो कि है 28/06/2021 टू 12/07/2021, यानी कि 28 जून 2021 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इससे रिलेटेड तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। ओके, तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।